हे गाइस व्हाट्स अप, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप लोगों का गेमिंग, सिर्फ गेमिंग के एक्सपीरियंस ही नहीं, गेमिंग के परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो आगे देखते रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं राइज़ किंगडम सर पबजी का वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तब आगे की बात करते हैं। देखिए, आप लोग अगर अपने सेटिंग्स में जाकर ग्राफिक्स में देखेंगे तो ज़्यादातर फोन्स में क्या होता है, ग्राफिक्स स्मूथ और मीडियम रहता है, और उससे ज़्यादा हाईली हाई बैलेंस रहता है। और जो कि बहुत ही हाई एंड डिवाइस है, उन लोगों में ही सिर्फ HDR या फिर अल्ट्रा एच डी तो एक्चुअली टेबलेट्स में, जो कि बहुत हाई एंड टेबलेट्स है, उनके पास ही रहता है। तो आप लोगों के पास वो सब नहीं रहता है। इसके वजह से क्या होता है, आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं रहता है। गेमिंग का ग्राफिक्स बहुत ही मतलब डल रहता है। मैं आप लोगों को ट्रेनिंग पे जाके आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है ऐसा लो ग्राफिक्स में। तो यहाँ पे जो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है इतना कुछ खास नहीं रहेगा, और आपका जो फ्रेम रेट है वो भी लो रहेगा। तो इनमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप अपना एनिमी जहाँ पे रहता है वहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा, उससे थोड़ा सा पीछे दिखेगा। मान लीजिए एनिमी आपका राइट से लेफ्ट में जा रहा है, तो आप जहाँ पे एनिमी है वहाँ पे शूट कर रहे हैं, लेकिन आपका एनिमी तब तक थोड़ा सा लेफ्ट में जा चुका होगा। इसके वजह से आपके एनिमी को शूट जो है नहीं लगेगा, मतलब इसके वजह से आपका तो किल आपको नहीं मिलेगा, आपका एनिमी आपको मार भी सकता है। तो उसके वजह से आप लोग क्या कीजिए, अपना ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक तो नहीं, मार्केट में बहुत सारा, प्ले स्टोर में बहुत सारा ऐप्स ऐसा मिल जाता है जो कि आपका ग्राफिक्स मतलब इंक्रीज करता है, ग्राफिक्स बूस्ट करके आप लोगों का गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ही बेटर करता है। तो उसके बारे में ही आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो उससे पहले आप लोग देख सकते हैं, या फिर जो ग्राफिक्स है यहाँ पे, आप अपना जो कैरेक्टर है यहाँ पे, इसका ना कोई शेडो है, या फिर आसमान में, या फिर कहीं पे कुछ भी लाइट नहीं है, किसी चीज़ का शेडो भी नहीं है, और यहाँ पे जो ग्राफिक्स है उतना खास भी नहीं है। लेकिन हम लोग जो ग्राफिक्स बूस्टर है उसको इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को उसका एग्जांपल दिखा दूंगा कि वहाँ पे कितना इम्प्रूव होता है। ओके, तो ये तो हो गया। अभी हम लोग इसको एग्जिट करके हम लोग पबजी को भी एग्जिट करते। एग्जिट करने के बाद उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम लोग पबजी को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद अभी उस ऐप को इंस्टॉल करेंगे। ऐप कहाँ पे मिलेगा, प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में FPS पबजी लिख के स्टार्ट सर्च कीजिए, कोई भी सर्च कीजिए, आप लोगों को बहुत सारा मतलब मिल जाएगा। तो मैं उसमें से कोई भी रेंडमली एक चूज करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ये ज़्यादा MB का नहीं रहता है, 2-3 से 5-10 MB हाईएस्ट ऐसा रहता है। ओके, तो वो इंस्टॉल होने के बाद उनको आप ओपन कीजिए, आप लोग इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद अभी आपको चूज़ करना पड़ेगा अपना ग्राफिक्स क्वालिटी क्या चाहिए। तो स्मूथ रहता है, स्मूथ को आप HDR कीजिए, या फिर आपके फ़ोन थोड़ा सा और अच्छा होगा तो और भी आगे ले सकते हैं। फिर रेजोल्यूशन जो है वो आप अल्ट्रा में दीजिए, जो टेबलेट्स में रहता है सिर्फ। और नेक्स्ट कलर टाइप जो भी चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। कलर टाइप में कुछ भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई भी कलर टाइप रहेगा सेम रहता है। लेकिन ये जो फ्रेम रेट रहता है ये आप 60 FPS को कर दीजिए। ओके, और ये जो लाइट इफेक्ट रहता है ये हाई में कर दीजिए। हाई करने के बाद आप ऐसा, एक्चुअली मैं रिकमेंड नहीं करूँगा सबको हाई करना, लेकिन मैं अभी आपको हाई करके सब इनेबल करके आप लोगों को बताऊँगा कि कैसा है, शेडो क्वालिटी हो या जो भी हो, ये एक्सट्रीम, ये सब जो है ना, ये आप लोग अगर हाई करेंगे ना तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इसको एंटी अलाइजिंग नहीं चाहिए, और टेक्सचर क्वालिटी हाई, और GPU ऑप्टिमाइजेशन इनेबल कर देते हैं। इनेबल करके अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद ये पूछा है कि ऐसा करने से मोबाइल पे हीटिंग और बैटरी ड्रेन ज़्यादा होगा, तो मैं यस कर देता हूँ। लेकिन आप जो है ये एक्चुअली मत कीजिएगा, आप अपना जो रेजोल्यूशन है वो अल्ट्रा में मत कीजिएगा, अल्ट्रा के जगह में वो आप हाई में कर सकते हैं, हाई में। और ये जो ग्राफिक्स क्वालिटी है HD में दीजिए, HDR में देने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी फ्रेम रेट जो है 60 FPS ओके है इसके लिए। और लाइट इफेक्ट ये आप लो या मीडियम रखने से होगा, या फिर नन रखिए। और शेडो, मेरे ख्याल से शेडो अगर आप देते हैं तो शेडो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपका, अगर शेडो में खेलना
प्रैक्टिस नहीं है तो शेडो में खेलने से आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम लग सकता है, लेकिन अगर आप खेल सकते फिर भी तो आप उसमें खेलिए और रन गेम कीजिए। रन गेम करने के बाद ये जो गेम है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप लोगों को आपको डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है पहले के मुकाबले अभी का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है जो आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। चलिए हमारा गेम तो ओपन हो गया, अभी आप यहीं पे देख सकते हैं जो कि आपका आइकन्स था, जो पहले का आइकन्स था वो थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन अभी जो दिख रहा है सभी थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। ये इसलिए है क्योंकि आपका रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ा दिया गया। रेजोल्यूशन बढ़ाने की वजह से इन आइकन्स का साइज थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया सबका। तो अभी हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाकर जो ग्राफिक्स है इसको हम लोग बढ़ा देंगे। तो अल्ट्रा एचडी अभी तक नहीं है हमारे मोबाइल के लिए, लेकिन ये फ्रेम रेट जो है ये हम लोग एक्सट्रीम में कर सकते हैं, और जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो एचडीआर और फ्रेम रेट एक्सट्रीम यहाँ पे हम लोग अब प्ले करके दिखाएंगे। ओके करते हैं। ओके यस, ओके अभी हो गया। तो अभी हम लोग ट्रेनिंग रूम पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे कि ये डिफरेंस जो है बहुत ही, मतलब आसमान और जमीन और आसमान की फर्क का डिफरेंस है, ये आप लोगों को अभी मालूम पड़ जाएगा। तो ओके, तो अभी ट्रेनिंग के रूम में आने वाला है और मेरा बैटरी जो है लो हो चुका है। कोई बात नहीं, हमारा बैटरी का अभी चल जाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा नहीं। तो सिर्फ इसको दिखा के आप लोगों को मैं विदा लूँगा आप लोगों से। ये देखिए आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कितना डिफरेंस है ये, और स्मूथ भी है, बहुत स्मूथ है। और इसका जो मैंने साउंड को एनहेंसमेंट के लिए एनेबल किया था वो भी, उसके वजह से भी ये जो साउंड्स आ रहे हैं ये भी बेटर साउंड आ रहे हैं। यहाँ में आप लोग अगर किसी नदी के सामने से जाएंगे ना तो नदी का आपका जो साउंड है वो भी आप लोगों को सुनाई देगा आराम से। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बात आपका है जो हाई हाई है ना, ये सबको हाई में मत रखिए। अगर आपका नॉर्मली हाई में नहीं रहता है तो आप हाई में मत कीजिए। अगर आपका एचडी है, नॉर्मली एचडी तक जाता है तो फिर आप एचडीआर में लीजिए, और अगर आपका नॉर्मली एचडी तक नहीं जाता है तो मैं आपको एचडी तक ही, मतलब लेने की वो जो सेटिंग्स में एचडी तक ही लेने की क्या दूंगा, मतलब सलाह दूंगा। नहीं तो आपका जो मोबाइल है उसका बैटरी बहुत ही तेज़ी से ड्रेन होगा और मोबाइल भी हीटिंग होगा बहुत। ओके, तो जो भी हो आपको जो ये लाइटिंग्स दिख रहे हैं, लाइटिंग्स और जो शेडो दिख रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई एनिमी छत के ऊपर चुपचाप बैठा रहेगा या फिर किसी जगह में चुपचाप बैठा रहेगा, हो सकता है कि आपको उनका शेडो जो है वो सब भी दिखाई पड़ेगा। तो ये आप लोगों को गेमिंग के परफॉर्मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा और आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा करेगा, है कि नहीं। तो उसी बात में इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लीजिए, क्योंकि मैं राइज ऑफ किंगडम्स और पबजी का वीडियोस बनाता रहता हूँ। ओके, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके पास कुछ भी रिक्वेस्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए, मैं उसको फॉलो करने की कोशिश जरूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।